उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मंगलवार की शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। बेकाबू ट्रक यमराज बन गया और चाय की दुकान को तहस नहस करते हुए सड़क पर पलट गया। हादसे में चाय दुकानदार समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत होने की खबर आ रही है। दरअसल यह हादसा सैनी कोतवाली अंतर्गत कनवार मोड़ पर हुआ। तीन लोगों की मौत से नाराज लोगों ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 2 पर जाम लगा दिया, जिससे थोड़ी ही देर में हाईवे पर लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। तब मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन देकर जाम हटवाया। ट्रक से जो है हाईवे पर जो है यही कनवार बॉर्डर पर जो है जो घटना हुई है, जिसमें तीन लोग मरे थे। तीनों लोगों को जो है जिला अस्पताल जिला मसूरी में भेज दिया गया है और यहाँ पर जो है उनके परिवारजनों को जो है आर्थिक सहायता के लिए जो है। सीओ सिराथू रामवीर सिंह के मुताबिक तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज थाना सैनिक क्षेत्र के अंतर्गत कनवार बॉर्डर पर एक ट्रक पलट जाने के कारण से तीन व्यक्तियों की मौके पर ही डेथ हो गई है। उन्होंने जाम लगाया था, तत्काल जाम को खुलवा दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।